निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व द्वारा अभी हाल ही में पूर्व पालिका अध्यक्ष रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सतपाल ब्रह्मचारी को हरिद्वार शहर के महानगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सतपाल ब्रह्मचारी ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस पार्टी को संगठित करना और कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि भाजपा सरकार के राज में रोजगार के अवसर समाप्त हो गए हैं और सरकार की इन्हीं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वो जनता को एकजुट करेंगे। कांग्रेस को स्थापित करना, संगठित करना और कांग्रेस की जो भावनाएं हैं उनको सभी संगठनों को, सभी समाज के वर्गों को अवगत कराना। कांग्रेस ने क्या क्या देश को दिया, क्या क्या प्रदेश को दिया और क्या क्या रोजगार जो भारत सरकार ने बंद कर दिए हैं। आप एक उदाहरण है, छोटा सा नगर पालिका या नगर निगम HDA, ये BHL के जो सरकारी जो ऑफिस होते थे उनमें चपरासी की नौकरी मिल जाती, चपरासी, बाबू, क्लरिकल, पानी पिलाने वाला, सफाई वाला, ड्राइवर, केवल और केवल पूरे देश में ये नौकरियां अगर किसी ने बंद की हैं, गरीब आदमी का रोजगार बंद किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले ये काम किया, पाबंदी लगाई है, उसको कहीं आउटसोर्सिंग कर दिया, कहीं प्राइवेट को दे दिया। अरे गरीब आदमी को रोजगार वही तो मिलता था। महानगर की कांग्रेस, जिले की कांग्रेस, प्रदेश की कांग्रेस की एक ही मांग है कि ये प्रतिबंध हटना चाहिए, गरीब को रोजगार मिलना चाहिए, ये हमारा ध्येय है। सतपाल ब्रह्मचारी ने प्रेस वार्ता के दौरान ज्वालापुर और बहादराबाद ब्लॉक अध्यक्ष पद की घोषणा भी की। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।